हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अल्फा एस एकेडमी एंड वी आर एट द लेक्चर नंबर 9 ऑफ द साइंस एंड टेक सीरीज। एंड टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट डिजीजेस एंड इम्यूनिटी एंड वी विल आल्सो डिस्कस द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ दैट पर्टिकुलर पार्ट हैज बीन गिवन वेरी वेरी इलेबोरेटली इन आर नोट्स। नाउ एट सम सर्कमस्टेंसेस इट मे बी नीडेड, कहीं पे उसकी जरूरत पड़ सकती है, बट देन वो बहुत ज्यादा डीप में लिखा हुआ है, तो आप परेशान ना हो अगर आपको समझ में नहीं आता। वो सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, आपको यहाँ हम डॉक्टर बनाना नहीं चाहते हैं। आपका काम है यहाँ पे जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसको क्वालिफाई करना, एंड वो सब नीट वीट में ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बट देन हमारा कोशिश थी कि भाई आजकल जो है यूपीएससी थोड़ा डीप भी चले जा रहा है, तो जितना मतलब बेसिकली डीप जाके हमने वर्कआउट किया, ज़्यादा डीप भी ना जाए, ठीक है, तो उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पढ़ा दूंगा, जितना इसमें पढ़ाया जाएगा उतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, नॉट सफिशियंट बट मोर देन सफिशियंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास की। तो पहला जो टॉपिक है डिजीज एंड इम्यूनिटी। देखो वेरियस तरीके से आपको डिजीज हो जाता है। आजकल मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है तो भैया लोगों को बुखार होने लगा है। बरसात के समय पे, बरसात के बाद जैसी बरसात जाती है, विड्रॉल ऑफ मानसून होता है, तो डेंगी एंड चिकनगुनिया के केसेस बढ़ जाते हैं मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वहां पे वैक्टर्स बॉर्न हो जाते हैं पानी में, गंदे पानी में, जिससे कि एक एडीज मॉस्किटो होता है कि जिससे कि वो क्या होता है, कैरियर होता है, उससे उसके काटने से आपको डेंगू और चिकनगुनिया हो जाता है। ऐसे ही देर आर डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे एक एंथ्रेस डिजीज होता है, वो किससे होता है, एक बैक्टीरिया होता है बेसिसिलिस एंथ्रेसिस, ठीक है, और वो आपके लिंग्स स्किन एंड लंग को इफेक्ट होता है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है, एनवायरनमेंट। तो आपको तो ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, आपको एनवायरनमेंट से हो सकता है, फूड से हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, किसी के कॉन्टैक्ट में आ गए तब हो सकता है, एयर से होता है, किसी बग ने आपको काट लिया तब हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, सिफिलिस, सेलोमोनोरिस, लेप्रेसी। देखो लेप्रेसी किससे होता है, एक वो भी एक बैक्टीरिया से होता है, दैट इज माइको बैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। आपके कौन कौन से ऑर्गेन्स अफेक्ट होते हैं उसमें, स्किन, बोन्स, पेन, पेरिफेरल नर्व्स, कैसे होता है कॉन्टैक्ट में आने से। अब मैं अगर बात करूं कोविड की, है ना भाई, अच्छा कोविड, तो कोविड में क्या था, कोविड क्या था, कोविड वायरस की वजह से होता था, क्या कोरोना वायरस था ना उसका नाम, ठीक है, और वो एयर में तो उसकी पुष्टि नहीं हुई बट देन कॉन्टैक्ट में आने की वजह से हो रहा। तो ऐसे ही डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है लोगों को, तो वो किससे होता है, एक राइनो वायरस होता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करता है और आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या सिम्टम्स क्या है उसके, नेसल कंजेशन, लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं जिन्हें जुकाम होता है, तो उसी को नेसल कंजेशन बोलते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज होता है ना, आपकी नाक बहती रहती है, ठीक है। ऐसे ही मीजल्स होता है, मीजल्स किससे होता है, एक रूबेला वायरस होता है, वो आरएनए वायरस होता है, ठीक है, एक ट्रैक्सिमो वायरस होता है, उससे भी होता है। तो वो किसको इफेक्ट करता है, आपकी स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक को, ठीक है, आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है, एंड सोर थ्रोट, रनिंग नोज, कफ एंड फीवर, रेडिश रैशेस ऑन द स्किन, नेक एंड ईयर्स, ये इसके सिम्टम्स है। तो आप देख लेना, ऐसे ही वायरल हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, पोलियोमेलाइटिस, पोलियोमेलाइटिस पोलियो वायरस की वजह से होता था, अब तो खैर इसकी दवाई क्या आ गई, इसको इसकी वैक्सीन आ गई है, उसको बचाया जा सकता है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर है वो भी, आरएनए वायरस। एक बार आपको पोलियो हो गया तब उसको ठीक नहीं किया जा सकता आज भी। इंसेस्टाइन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है विच कैन अकर थ्रू फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल रूट, एंड दी सिम्टम्स आर फीवर, मस्कुलर मस्कुलर स्टिफनेस, है ना, बोलते हैं जैसे कुछ लोगों को जो बोलते हैं यार मेरे जोड़ों को दर्द हो रहा है, तो मस्कुलर स्टिफनेस हो जाती है उनको कई बार, वीकनेस, पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो ऐसे डेंगू फीवर और चिकनगुनिया। अब ये क्या है, दीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस, अब बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब बाद में देखा गया कि भैया देखो ये वायरस और ये बैक्टीरिया जो है इससे तो हम दवाई भी बना सकते हैं, ठीक है। एक कहानी सुनाते हैं आपको, 1929 में क्या हुआ, एक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के बंदे थे, ठीक है, वो एक बैक्टीरिया मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है एक आपका स्टेफी लोको लोको सी लोको सी, ठीक है, स्टेफी लोको सी, ये क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया जिससे कि डिजीज कॉज होता है। अब उन्होंने देखा कि यार उन्होंने गलती से कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने कुछ हल्का सा ग्रीन ग्रीन देखा मोल्ड में, ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है,
और उन्होंने देखा जो ये ग्रीन सा पदार्थ है या ग्रीन जो चीज है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, और बैक्टीरिया को ग्रोथ को तो रोक ही रहा है, उसके साथ साथ उसको मार भी रहा है। और इसी से आविष्कार हुआ जिसको आप जानते हैं आज, पेनिसिलिन का। और आज के टाइम पे जितनी भी एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स बनती हैं, दैट यूजेस दी वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ठीक है, इसी से एंटीबायोटिक्स बनती हैं। नाउ एंटीबायोटिक ज्यादा लेने से क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया तो आपके बेनिफिशियल भी है भाई, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स आपने सुना होगा, लोग कहते हैं दही खाओ आपका पेट अच्छा रहेगा, क्या होता है दही में, बैक्टीरिया होता है, वह बैक्टीरिया आपके लिए अच्छा है। तो अगर आप अननेसेसरीली खाते रहेंगे एंटीबायोटिक्स, तो वह आपको जो है अलग या नेगेटिव तरीके से भी इफेक्ट करती है, तो इसलिए डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन से ही कोई भी चीज़ आपको कोई भी दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें इम्यूनिटी की, तो भैया इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है इननेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी की। इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जब आप पैदा होते हैं तब से आपके अंदर होती है, ठीक है, जब से आप पैदा हुआ तब से आपके अंदर होती है। चार टाइप की होती है वो, एक तो आपके फिजिकल बैरियर हो गए, भाई फिजिकल बैरियर क्या होगा, किस, अब क्या है कि इम्यूनिटी काम क्या है कि आपको किस चीज से बचाना, ठीक है, तो बचाएंगे कैसे भाई, जो आपकी स्किन है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स हैं, उनमें लाइनिंग होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं माइक्रोब्स को मार देते हैं या उसको रोकते हैं अंदर जाने से। भाई अगर मेरा ये खुला होता तो आराम से कोई भी पंछी अंदर जाता और आराम से घूम के मेरी बॉडी से आ जाता, तो ये क्या है, एक टाइप का फिजिकल बैरियर है। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, भाई फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन से हैं, भाई सलाइवा हो गया आपका, है ना, आपका जो सलाइवा है मुंह के अंदर, देन आपके जो एसिड है स्टमक में, जो एसिड बनता है वो बहुत सारी चीज़ों को जो आपके लिए खराब है उसको मार देता है, जो आपकी आईज से टीयर्स निकलते हैं वो क्या करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं ये सब, ठीक है। देन तीसरे प्रकार का क्या हो गया आपका, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या होता है, जैसे आपके WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लीकोसाइट्स भी बोलते हैं, अगर हम पढ़ेंगे ब्लड में, ब्लड को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ये क्या करते हैं आपको वेरियस इन्फेक्शन से बचाते हैं। देन आपके हो गए साइटोकाइन बैरियर्स, साइटोकाइन आपने सुना होगा जब कोविड हुआ था साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाती थी, भाई लोग कोविड के वायरस से नहीं मर रहे थे, लेकिन जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स था कोविड के लिए या कोविड के प्रति, हम उस रिस्पॉन्स से बढ़ जा रहे थे। भाई आप ये समझिए कि कोई वायरस आया, हमारी बॉडी क्या उसको शूट करेगी, साइटोकाइन में क्या होता है, साइटोकाइन्स एक टाइप के इंटरफेरॉन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो और आगे सेल्स को इन्फेक्ट ना करें, वो इंटरफेरॉन्स जो है उस काम को रोकते हैं कि भाई जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो आगे किसी सेल को इन्फेक्ट ना करें, उसको कौन रोकता है, इंटरफेरॉन। तो अब भाई गोली मार रहे थे, अब कोविड में क्या हो रहा था कि जैसे वायरस आ रहा था तो बॉडी को पता नहीं लग रहा था क्या करना है, कहाँ से क्या हो रहा है, तो बॉडी क्या हो रही थी लगातार फायरिंग कर रही थी, तो क्या हो रहा था साइटोकाइन स्ट्रांग आ जा रही थी हमारी बॉडी में, जिससे कि हम, हमारी कई लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, क्योंकि साइटोकाइन्स टाइम, भाई अति तो हर चीज की बुरी है चाहे वो साइटोकाइन की क्यों ना हो, ठीक है। देन बात करते हैं अच्छा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है पैथोजन स्पेसिफिक। अब आपको जो वैक्सीन लगी, जो आपको वैक्सीन लगी उसने क्या काम किया, भाई वैक्सीन लगी, वैक्सीन में क्या था आपका हल्का सा वायरस था, बॉडी को पता लग गया कि हाँ ये कुछ वायरस है, बॉडी ने एक शुरुआती जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं वो कर दिया, भाई बॉडी ने आपकी कोविड की रिस्पॉन्स दे दिया। होता क्या है कि हमारी बॉडी में मेमोरी होती है सेल्स में, उन्होंने क्या कि जब दोबारा वाकई में ही आपको कोविड वायरस ने अटैक किया, तो जो दूसरा एनकाउंटर होता है, जो दूसरा रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, वो हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, और इसको ही हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, भाई मान लिया एक किसी को कोविड वायरस एक बार हो गया तो ऐसा बोला जा रहा था उसको दूसरी बार होगा, तो हो तो रहा था लोगों को, लेकिन उनका जो इम्यूनिटी थी, भाई अब तो बॉडी को पता है ना कि हाँ यार ये वायरस है, ये चीज कर रहा है, तो उसको ऑलरेडी पता है बॉडी को, आपको पता है बॉडी को, प्रॉब्लम कब आती है कि जब आप उसके अंदर कुछ ऐसा डाल देते हो जो उसे पता नहीं होता, एक बार उसे पता लग गया वैक्सीन से, आपने वैक्सीन में क्या कर दिया, आपने इंफॉर्मेशन भेज दी उसको यार देखो ऐसा ऐसा वायरस आएगा तो तुम अपने हिसाब से देख लेना उसे। अब आपने क्या किया कि दूसरी बार जब वायरस आया तो बॉडी को पता है, जब वाकई में वायरस आया तो बॉडी ने उसको ढंग से अपने हिसाब से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्सेज हैं
ये दो टाइप के स्पेशल लिम्फोसाइट्स ब्लड के अंदर के, एक अभी आगे हम पढ़ेंगे वैसे, ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये कैरी आउट करते हैं, दो टाइप के पर्टिकुलर टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। इतने जाने की अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ लेते हैं, ये बहुत लोगों ने सुना होगा तो कन्फ्यूज रहते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये एक्चुअली प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन जो ये प्रोटीन बनाता है उसी को एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है, उसी को एंटीबॉडीज बोलते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है ये खुद तो कोई प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन ये बी को सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज में मदद करता है, मतलब बी की मदद करता है एंटीबॉडीज बनाने में। अच्छा एंटीबॉडीज दिखती कैसी हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, एग्जाम्पल क्या है, जैसे आई जी ए, आई जी एम, ठीक है, आई जी ई, ठीक है, ऐसे एन बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और जो ये रिस्पॉन्स होता है, ये लिम्फोसाइट से जो रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स कहाँ होते हैं, ब्लड में होते हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी देखो दो टाइप की होती है, एक तो आपकी एक्टिव, एक होती है आपकी पैसिव। एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो भी, और ये दोनों भी फिर डिवाइड होती है आगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में, और पैसिव भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में, ठीक है। मैं आपको चलते हुए समझा देता हूँ, देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, कि आपको कोई आप को जो इन्फेक्शन हुआ उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी आई, या आपको कोई वैक्सीनेशन लगा उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी आई, उसको बोल देते हैं एक्टिव, ठीक है। अब इसमें भी नेचुरल कौन सी होगी, जो आपको अगर बाई चांस कोई इन्फेक्शन हुआ नेचुरली, मान लिया आपको जुकाम हो गया, वहां उसमें जो एंटीबॉडीज बनी उसको बोल देंगे नेचुरली एक्टिव, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, आपको वैक्सीनेशन लगी, वैक्सीनेशन के चलते आपके आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आया, तो उसको बोल देंगे आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव क्या होती है, कि आप जो है एंटीबॉडीज या तो कहीं और से लेते हैं, इसमें आप एंटीबॉडीज कहीं और से लेते हैं। नेचुरल में क्या होगा, जैसे आप फिट बच्चा होता है वो माँ का दूध पीता है, तो माँ के दूध में भी कुछ कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो दूध के थ्रू या मिल्क के थ्रू माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो रही है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो ये होगी आपकी नेचुरली पैसिव। आर्टिफिशियल क्या होगी, आपने कोई मेडिसिन खा ली, ठीक है, उससे क्या होगा, एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडी बन गई, ठीक है, तो ये होगी आपकी आर्टिफिशियल पैसिव। अब बात करते हैं ब्लड की, देखो ब्लड कुछ नहीं होता, ब्लड का बहुत सारा काम होता है, ब्लड हमारा भाई है एकदम, मतलब ठीक है। ब्लड का क्या काम है, कि ब्लड एक तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ब्लड के अंदर की ऑक्सीजन, सब पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन ले जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर होता है कुछ एक चीज, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर जो होता है, ठीक है। उसका काम है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। जो खाना होता है हमारी, जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको वो बहुत सारी बॉडी तक पहुंच, पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है, वेस्ट को रिमूव करता है, खाने को पहुंचाता है। दो कितना सारा काम है ब्लड के पास में, बेचारे के पास, ठीक है, खाने को पहुंचाता है, देन सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है भैया, ठीक है, अगर ये ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाए, ठीक है। अब ब्लड में भी बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, ब्लड के अंदर, ब्लड के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर जैसे आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, अब आरबीसी रेड क्यों दिखता है उसके अंदर, क्योंकि एक रेड थिंग इज देयर दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर पूरी शरीर में ऑक्सीजन को फैलाता है, ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे ही प्लेटलेट्स बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे तीनों चीज पढ़ेंगे उसको हम, पहले पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती हैं, एक तो हो गई आपकी आर्टरीज और एक हो गई आपकी वेन्स, ठीक है। आर्टरीज थोड़ी सी मोटी होती हैं, वेन्स थोड़ी सी पतली होती हैं, ठीक है। आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरीज का क्या काम है, कि हार्ट से, आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरीज आपके हार्ट से जाएंगी, ठीक है, हार्ट से ऑक्सीजन रिच, क्योंकि हार्ट आपका ये मान लो कि एक प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। तो आर्टरीज क्या करेंगी, कि हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाएंगी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। आरटीज का काम है, हार्ट है ऑक्सीजन रिच ब्लड यहां पे है, पूरी बॉडी में वो लेके जाएंगी, ठीक है। अब वेन्स एंड आर्टरीज का एक 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 एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी वेन, ठीक है, या आप वो वेन्स से पढ़ा देंगे, ठीक है।
तो आपने समझ लिया आर्टरी से काम है वो, सॉरी आर्टरी से काम है, आर्टरी से काम है ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडीज में ले जाना। अच्छा ये जो होती है थिक होती है क्योंकि इनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये इनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। फिर आर्टरीज अगर आप हार्ट देखेंगे ना, आगे हम दिखाएंगे, तो ऐसे ऐसे जाती हैं आर्टरीज अंदर, फिर ये पतली हो जाती हैं आगे, जो ये पतली होती है इसको कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। और ये अंदर हार्ट में जाके, अगर कभी आपने हार्ट का, हार्ट देखोगे आप किसी का एंजियोप्लास्टी का, किसी का कभी किसी किसी की एंजियोप्लास्टी हुई होगी तो, या एंजियोग्राफी हुई होगी, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखना किसी की, ठीक है, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में आपको देखेगा ऐसे ऐसे वेन्स जा रही है फिर आगे पतली हो जा रही है, जो आगे जाके पतली होती है उसको कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेन्स की। अब भाई प्योर ब्लड तो बॉडी में चला गया लेकिन इम्प्योर ब्लड वापस भी तो आना है, तो ये वेन्स हैं जो बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड वापस लेके आती हैं हार्ट में, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है भाई, सारी वेन्स तो क्या करती है, सारी वेन्स में जो सारी वेन्स रहती है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड रहता है, बट एक पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसके अंदर प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है, क्योंकि ये लंग्स से हार्ट में आती है, ये लंग्स से हार्ट में आती है, ठीक है, ये लंग्स से जो साफ हवा है या प्योर ब्लड है वो लेके हार्ट में आती है, समझ गए। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। भाई ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कुछ नहीं होता, एक तो लगभग लगभग 90% वाटर होता है, 90 से 92% वाटर होता है, 58% प्रोटीन होता है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजों से बना होता है, फाइब्रोजेंस होते हैं, ग्लोबुलिन्स होती हैं, एल्बुमिनीन्स होती हैं इसके अंदर, वो क्या होती हैं, एल्बुमिनीन्स हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखती हैं, ग्लोबुलिन्स हमारे बॉडी हमें इन्फेक्शन से बचाती है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। फाइब्रोजेंस क्या होता है, एक चीज होती है इसमें फाइब्रोजिंस, फाइब्रोजिंस क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन, कोआगुलेशन में मदद करती है। भाई यहाँ मेरा हाथ कट गया, थोड़ी देर में ब्लड खुद खुद रुक जाता है ना, इसलिए जो हार्ट के पेशेंट होते हैं वो एक चीज लेते हैं इकोस्प्रिन, जिससे जो ब्लड थिनर होते हैं उनका खून जल्दी से नहीं रुकता, या विटामिन के की जिसके अंदर कमी होती है, ठीक है, के फैक्टर जो होता है उसको भी ब्लड क्लॉट उनका आराम से नहीं होता, ठीक है। अब ये प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर फाइब्रोजेंस हो गए जो कि क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जरूरी है या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्लाज्मा ऐसा होता है कि अगर इसमें से हम प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, इसका क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, ठीक है, तो फिर हमें मिलता है सीरम, ठीक है, ब्लड सीरम जिसको बोल देते हैं। अब हमारे पास तीन चीजें होती हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, इनको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स, सुना होगा आपने, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को बाइंड विद दी ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। सबसे ज्यादा ब्लड में आरबीसीज ही होते हैं, लगभग लगभग 5 मिलियन से 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन तक, ठीक है, और लगभग लगभग एक आरबीसी की जो लाइफ होती है 120 होती है, ये आपका बोन मैरो में बनता है और स्प्लीन में जाके ये मर जाता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की। देखो व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अब इनका काम है हमें इन्फेक्शन से बचाना। अच्छा व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट नहीं होते हैं, याद रखना, ये कलरलेस होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट नहीं होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब क्या है, पार्ट्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के। तो व्हाइट ब्लड सेल्स एक्चुअली दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं आप उसको, एक होता है आपको ग्रैन न्यू लोसाइट्स और एक होता है आपका ए ग्रैन्यू लोसाइट्स, ठीक है। जो ये न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, ये एक टाइप के ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं, ठीक है, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट देन इतना रखना। देन बात करते हैं प्लेटलेट्स की। देखो प्लेटलेट्स को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है ना कई लोगों को, तो यही प्लेटलेट में दिक्कत आती है।
जब किसी भी व्यक्ति को डेंगी या चिकनगुनिया होता है, सबसे पहले उसका उसका जो मार्कर है वो यही है कि प्लेटलेट लोगों की कम हो जाती है। लगभग लगभग नॉर्मल इंसान में 1.5 लाख से 3 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं, कई लोगों को प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स ही वो फैक्टर है जो ब्लड कॉगुलेशन में मदद करता है। फाइब्रोजेंस होते हैं इसके अंदर, मैंने आपको फिब्रिन्स जिसको बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा ब्लड ग्रुप क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि ब्लड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड, देखो ब्लड ग्रुप किस दिन बढ़िया से पूरा पढ़ाएंगे आपको, एक अलग से उसके लिए बनाएंगे। बट देन कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? AB एंड O, ये क्लासिफिकेशन होती है। और एक RH होता है। भाई RH अगर पॉजिटिव, अगर RH प्रेजेंट होता है तो वो तो हो जाता है पॉजिटिव, RH एबसेंट होता है तो ब्लड ग्रुप हो जाता है नेगेटिव। तो अगर मैं ए पॉजिटिव की बात करूं तो मतलब ए एंटीजन प्रेजेंट है प्लस RH एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ए नेगेटिव की बात करूं मतलब ए एंटीजन प्रेजेंट है बट RH एबसेंट, ठीक है। ऐसे इसकी नेमिंग होती है। देन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम दो तीन चीज़ों से बना होता है। एक तो हमारा हार्ट हो गया जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, एक तो, ठीक है, और कुछ वेसल्स होती हैं, नर्व जिसको बोल देते हैं, और फ्लूड होता है। वो फ्लूड कौन सा होता है? ब्लड होता है। यही काम है, इसी को घुमाना है किसको। अब हार्ट में क्या होता है कि आपकी साइनो आइट आर्ट एक होती है, साइनो आर्टरियल नोड। अच्छा दो आर्टरियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं, तो दो आर्टरिया होती हैं या ऑट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, चार भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। साइनो आर्टरियल नोड क्या करती है? साइनो आर्टरियल नोड ही जो है हार्ट को पंप करती है शुरू में, और वो पंपिंग जो हम बोलते हैं ना 72-75 बीट्स चल रही है, साइनो आर्टरियल नोड की वजह से ही होता है। तो हार्ट वर्क कैसे करता है? देखो हार्ट वर्क कैसे करता है, हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, पहले वो सिकुड़ेगा। जब वो सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, और इस टाइम जो नापा जाता है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी आपने सुना होगा, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक सुना होगा ना, तो वो सिस्टोल यही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है, उसके बाद हार्ट रिलैक्स होता है। हार्ट जब रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टॉल, उसको बोलते हैं डायस्टॉल, उसको बोलते हैं डायोस्टॉलिक, ठीक है। जब रिलैक्स होगा तो उसको बोलेंगे डायस्टॉल, और वो होता है डायस्टॉलिक प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल जो बीट्स होती हैं वो होती है 72 पर मिनट, ओके। अब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है आपकी बॉडी की, आप उसे नाप सकते हैं, या हार्ट की, उसको आप नाप सकते हैं ECG से, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो आपको एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देगी और उसमें लिखा हुआ जाता है कि आपकी हार्ट बीट जो है नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। एक और चीज होती है हार्ट में, जो हार्ट का जो पल्मरी या लंग्स के साथ जो रिश्ता होता है वो स्टार्ट होता है आपका राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। देखो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, बेसिकली यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यहाँ से जो है जो खराब वाला ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो जो है लंग्स में जाती है, और ऐसे लंग्स से घूम के फिर आपका वापस आती है हार्ट में थ्रू आपका राइट एट्रियम में आती है पहले, ठीक है, ऐसे घूम के आती है। तो कहाँ से निकली? लेफ्ट, लेफ्ट सॉरी उल्टा लिख दिया, अच्छा यहाँ पे पिक्चर में उल्टा है, सॉरी, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है आपका? ये आ गया, ठीक है, ऐसे निकलती है, उल्टा उल्टा घुमा दिया मैंने, ठीक है, ऐसे जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, उसके बाद वो जो है वापस और राइट ऑट्रियम में आती है, ठीक है, राइट ऑट्रियम, ये रहा ना राइट ऑट्रियम, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ऐसे और राइट ऑट्रियम में आती है घूम के, इधर ये आपके लंग्स होंगे इधर, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं वाया पल्मोनरी वेन, मैंने आपको बताया ये। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आपकी बॉडी, भाई आप खाना खाते हैं,
सारा खाना तो पच नहीं जाता, पानी पीते हैं सारा पानी तो पच नहीं जाता, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, फिल्ट्रेशन सिस्टम भी, आपका ब्लड है आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपके इन सारे केमिकल्स खा रहे हैं, बॉडी को फिल्टर आउट भी तो करना है, बॉडी को चाहिए प्योर, बॉडी को चाहिए प्योर चीजें, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में सिक्रीट करती है, आपका अमोनिया के फॉर्म में, जो आपका फीकल मैटर है, ठीक है, आपका यूरिया के फॉर्म में, आपका यूरिक एसिड, ये सब आपकी बॉडी में बनता है, ठीक है। नीज में पेन होने लगता है, पैर में पेन होने लगता है ना लोगों के, क्या बोलते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। इसको आप वहां पे नोट्स में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं आपको बेसिक बेसिक पढ़ा देता हूँ। आप देखो, एक तो जो सबसे तगड़ा फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो है आपकी किडनीज, इसलिए बोलते हैं भैया पानी बहुत पिया करो, क्योंकि वाटर ड्रिंकिंग, वहां से बोलते हैं ना कि 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी किडनीज को अच्छा रखता है, आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छा रखता है। अब किडनीज के अंदर कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, इसीलिए स्टडी ऑफ किडनी को नेफ्रोलॉजी भी बोलते हैं। और ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना, ये मतलब आपके, मतलब मैं क्या बोलूँ कि फंक्शनल यूनिट है किडनी के, इनके बिना तो मतलब किडनी आपकी गई, ठीक है। उसके बाद आपका किस चीज़ में और सिक्रीशन होता है, यूरिन के फॉर्म में ना, जो आप, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में आप एक्सक्रीट करते हैं, आप फीकल मैटर के उसमें सिक्रीट करते हैं। अच्छा, यूरिन क्या है, आपका यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, उसके बाद जब तक उसे कमांड नहीं मिलती है कहाँ से, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बताता नहीं है कि आप उसको इजेक्ट करो, तब तक वो यूथरा से इजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है बॉडी को साफ रखने का, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एंड यू नो विद दिस वी आर डन विद द बायोलॉजी पार्ट, नाउ देयर माइट बी सम टॉपिक्स विच आर लेफ्ट, वी विल, प्लीज लेट अस नो, विल श्योरली मेक द वीडियोज ऑन इट, एंड पार्ट ए पार्ट बी करके हम लेक्चर के साथ डाल देंगे, बट बायोलॉजी पार्ट यहाँ यहीं तक था, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर एंड फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग फिजिक्स, एंड आई होप यू वुड हैव लाइक इट, आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ हमसे कमी रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, बाय बाय, टेक केयर।